मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली सरकार द्वारा पानी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में उठाए गए मामले को हिमाचल प्रदेश की ओर से सिरे से खारिज किया है। हिमाचल प्रदेश का दिल्ली सरकार के साथ 2019 के 137 क्यूसेक पानी देने का करार है। अदालत में जारी मामले पर हरियाणा और दिल्ली के बीच विवाद में हिमाचल ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को पानी छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई न्यायालय को गलत जानकारी दे रहा है, हिमाचल ने पानी छोड़ दिया है और अगर अतिरिक्त पानी भी देना पड़ेगा तो हिमाचल उसके लिए तैयार है। हमने पानी छोड़ा हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी देने की बात हमने वकीलों को कही है। जब हमने पानी छोड़ने का आदेश दे दिया है और निश्चित रूप से पानी हरियाणा से होकर जाएगा, हमारा पानी कोई हम रोक के थोड़ी रखे हैं। हम तो बोलते हैं और जितना पानी लेना, दिल्ली भी हमारी राजधानी है, इस देश के नागरिक दिल्ली में भी रहते हैं और हमारा दायित्व भी बनता ही है, ये पुल का काम भी है। तो इसमें अभी मुझे इस बारे के फैसले का पता नहीं है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस बात को कहा है, और अगर ऐसी बात है तो हम उनको आश्वासन देते कि हमारे पानी छोड़ा, हमने कोई रोका हुआ नहीं है। ये किसने गलत जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी, मैं उस बारे में भी जानकारी प्राप्त करूँ। वहीं दिल्ली जल संकट को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने जल वितरण को लेकर टैंकर माफियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। उन्होंने आज दिल्ली सरकार को इस संदर्भ में हलफनामा दायर करने को कहा है।